गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव मां फैशन बुटीक। मैं मुक्ता जैन, हमारा बुटीक हल्द्वानी में है। हम आज आपको वेडिंग पर्पज ड्रेसेस दिखाएंगे, वो भी साड़ी से बनी हुई। हम आज आपको दो ड्रेसेस दिखाएंगे, जिसमें एक तो लहंगा चोली है, जिसे हमने सव्यसाची के पैटर्न के अनुसार हमने लहंगा दिया है बहुत सारी लेसेस जोड़ के, और एक हल्दी की ड्रेस है। तो मैं आपको आज दोनों ड्रेसेस एक्सप्लेन करूंगी। दोनों ड्रेसेस हमने साड़ी से बनाई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो दो ड्रेस हम आपको दिखाएंगे वो हमारी एक ही क्लाइंट की है और वो प्लस साइज में है। उनका मानना था कि उनपे लहंगे लुक की ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती, उनका टमी ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन हमने जो ड्रेसेस उनकी बनाई है उसमें उनका टमी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाई दे रहा है और काफी खुश है वो अपनी ड्रेसेस को देख के। तो हम सबसे पहले मैं लहंगा चोली ही दिखाती हूँ आपको, जो हमने साड़ी से बनाया है। ये मेरी क्लाइंट की सिल्की की साड़ी है, जिसमें ऑल ओवर वीविंग है और ऊपर की साइड और नीचे की साइड गोल्डन प्लेन बॉर्डर है, जिसमें मजेंटा कलर की पाइपिंग है। इस साड़ी में सबसे बड़ी कमी ये थी कि फ्लावर्स वाला पार्ट काफ़ी छोटा है, दोनों साइड बॉर्डर गोल्डन निकलने के बाद फैब्रिक काफ़ी कम बचता है। ये इसका पल्ले वाला पार्ट था, पल्ले वाला पार्ट प्रॉपर गोल्डन कलर का है, जिसमें कि चार पैच हैं। हमें कुछ भी बनाना होगा तो वो एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए हमें इसमें से पैच पहले हम निकालेंगे। किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए पहले लेस और बॉर्डर दोनों चीज़ निकाल लें, उसके बाद आप ड्रेस कटिंग करें। ये हमने लहंगे की कटिंग कर ली है, हमारे पास फैब्रिक की लेंथ कम थी इसलिए इसमें काफ़ी छोटी कलियाँ आई हैं, तो हम इसमें जो नीचे का बॉर्डर है वो हम बढ़ता हुआ लगाएंगे लंबाई बढ़ाने के लिए, और जो इसमें कमर का भाग आएगा वो भी, कमर की जो बेल्ट आएगी वो भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक से ही देंगे, जिससे हमारी लहंगे की लेंथ पूरी कवर होगी। अब इसमें हम लेसेस लगाएंगे। ये लहंगा सव्यसाची की स्टाइल में बना रहे हैं। सव्यसाची के लहंगों की पहचान ये है कि उसमें लेसेस बहुत सारी होती हैं। इसमें भी हमने चार लेसेस दी हैं नीचे से, दो लेस दी हैं ऊपर। इस साड़ी से हमने बहुत सारा घेर दिया है, ये देखिए आप नीचे की साइड इसमें लेसेस ही लेसेस हैं, और ये पार्ट हमने बढ़ता हुआ रखा था लहंगे की लंबाई को बढ़ाने के लिए, जिसे हमने मजेंटा कलर से ही सेट करा है, और लेसेस को हमने बड़े से छोटे के क्रम में दिया है। ये लहंगा 16 कलियों का है। इस लहंगे में बहुत सारा घेर है, 5 मीटर से ऊपर का घेर है इस लहंगे में, और ऊपर का बॉर्डर भी हमने बढ़ते हुए लगाया है लहंगे की लंबाई को बढ़ाने के लिए। इसकी ये टसल्स हैं, टसल्स हमने लेस से निकाल के बनाई हैं, लेसेस को जोड़ जोड़ के हमने टसल्स बनाई हैं, और जो पल्ले में टसल्स लगे हुए थे गोल्डन कलर के वो भी हमने इसमें दिए हैं। लहंगा हमने स्ट्रिंग वाला दिया है, फिटेड ही दिया है और साइड जिप के साथ दिया है। जिप के बाद हुक आई लगाना ना भूलें, नहीं तो कमर के बीच का जो गैप है वो दिखाई देता है। ये हमारा लहंगा तैयार हो चुका है। लाइनिंग हमने इसमें सेंटून की दी है। कलियां स्टिच करने के बाद उसमें इंटरलॉक जरूर करें, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, ना ही धागे निकलते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, ये हमने ब्लाउज तैयार किया है। कलियों में हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा लग चुका था, तो इसलिए सिर्फ फ्रंट आया है इसी फैब्रिक से, और जो पल्ले के जो पैच थे वो हमने फ्रंट में दिए हैं। ब्लाउज हमने प्रिंस कट दिया है, जिसमें हमने बारीक वाली लेस दी है। जो पल्ले का पार्ट था उससे हमने स्लीव्स बनाई हैं, और दोनों में हमने एक एक पैच दिया है। इसका जो बैक पार्ट था वो हमने प्लेन बॉर्डर का दिया है, जो हमारे पास साड़ी का पूरा प्लेन बॉर्डर बचा हुआ था उससे जोड़ जोड़ के हमने बैक पार्ट दिया है। ये आप देख सकते हैं, एक डिजाइनर सी चोली दिखाई दे रही है। तो हमने पहले सभी पार्ट को जोड़ा है, उसके बाद हमने उसमें लेस दी है, और जो इसकी हमने टसल्स दी हैं वो भी हमने लेस के फैब्रिक से ही दी हैं। ये देखिए, ये जो हमारे पास बचा हुआ पीस था, बॉर्डर था पूरा साड़ी का, उस साड़ी से हमने जोड़ डाला है। इसमें 5-6 जोड़ आए हैं फैब्रिक में, फिर उसके ऊपर लेस डाल के फिर हमने ब्लाउज की कटिंग की है बैक पार्ट की। ये इसका फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं कितना हैवी लहंगा बनके तैयार हुआ है। क्लाइंट के पास इसके मैचिंग का दुपट्टा है,
जिसे वो इस पे वियर करने वाली है। ये हम आपको डमी पे दिखा देते हैं। डमी पे हमने पहले एक केनकेन स्कर्ट डाली थी, लहंगे में हमने केनकेन स्कर्ट नहीं दी है। दूसरी ड्रेस हल्दी की है, इसमें हमने 2 मीटर का फैब्रिक अलग से लिया है टॉप बनाने के लिए। उनके पास मजेंटा कलर की साड़ी थी, मजेंटा और ऑरेंज कलर की हाफ हाफ साड़ी थी, तो हमने उसमें मजेंटा फैब्रिक निकाल लिया है। हम इसमें से मजेंटा कलर के फैब्रिक की स्कर्ट बनाएंगे अम्ब्रेला। ऑरेंज कलर को हम छोड़ देंगे। मजेंटा कलर के फैब्रिक के साथ और येलो कलर के फैब्रिक के साथ मैच करते हुए हमने ड्रेस तैयार की है। इस मजेंटा में हमने अम्ब्रेला स्कर्ट दी है। स्कर्ट हमने इलास्टिक वाली दी है, वो प्लस साइज की हैं, तो उन जब बेल्ट वाली स्कर्ट हम बनाते हैं तो उनके ऊपर फोल्ड हो जाती है ऊपर से, इसलिए हमने इसमें इलास्टिक वाली बेल्ट दी है। घेर में नीचे हमने पीको की है। लाइनिंग स्कर्ट में हमने सेंटून की दी है और इसके नीचे हमने केनकेन स्कर्ट पहनाई है। केनकेन इस कभी भी हम लहंगों में या फिर स्कर्ट में नहीं लगाते हैं, साड़ी वाले फैब्रिक में अलग से हम केनकेन स्कर्ट बनाते हैं। येलो पीस से हमने एक पेपलम टॉप बनाया है। ये फ्रंट ओपन है जिसमें हमने मजेंटा कलर के फैंसी बटन दिए हैं। नीचे से हमने फ्लैप ए लाइन दिया है फ्रंट से और बैक से। फ्रंट हमने ओपन रखा है हुक के साथ। इससे ड्रेस में एक बहुत ही प्यारा लुक आया है। पेपलम टॉप की चोली में हमने लाइनिंग दी है। नेक हमने 5 शेप का रखा है। फ्रंट से हमने प्रिंस कट दिया है और फ्रंट ओपन है। फ्रंट में हमने हुक आई दिए हैं। जो फ्लैप वाला पार्ट है उसमें हमने अस्तर नहीं दिया है। टॉप में हमने लाइनिंग कॉटन की दी है। नेक हमने बुकरम वाला दिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग है। ये है इसका फाइनल लुक। मेरी क्लाइंट को ये दोनों ड्रेस बहुत अच्छी लगी और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। उनका रिव्यू भी हम किसी दिन यूट्यूब पे डालेंगे। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। आजकल वेडिंग सीजन है तो हमारे पास बहुत सारी साड़ियाँ इसी पर्पज से आ रही हैं कि लोग उनकी ड्रेसेस बनवा रही हैं वेडिंग में पहनने के लिए। हल्दी मेहंदी ये 2 फंक्शंस तो ऐसे हैं जिसमें हमारे पास मोस्टली साड़ियाँ आती हैं, जिससे वो हल्दी और मेहंदी या संगीत की ड्रेसेस बनवाते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई साड़ी हो और आप हमारी ड्रेसेस देख के बनवाना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उस पर आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।